मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। यूरोप के किसी भी देश में मैंने आपसे कहा कि आलू और प्याज, इसके अलावा कुछ होता नहीं, तो जो भी कुछ होगा बाहर से आएगा। अब बाहर से वो कच्ची सब्जी खरीदे, फिर उनको अपने देश में पकाकर बेचे, तो उनको टेक्नोलॉजी मालूम नहीं। तो अब उन्होंने क्या किया है, दूसरे देशों से सीधे सब्जी बनवाकर खरीदते हैं। तो वो सब्जी अगर वो खरीदेंगे तो नमक मिला दिया, अगर आपने सब्जी बनाते समय तो वो तो दो तीन दिन से ज्यादा टिकने वाली नहीं। नमक जो है ना सब्जी में अगर पड़ गया तो ये सब्जी को टिकने नहीं देगा। ज्यादा से ज्यादा दो दिन, कितने भी अच्छे से अच्छे फ्रीजर में रखो, तीन दिन बाद तो होने वाली है खराब। तो ये यूरोप और अमेरिका वाले बेचारे क्या करते हैं, जिन देशों से ये बनी बनाई सब्जियां खरीदते हैं, जैसे भारत से खरीदते हैं, अफ्रीका से खरीदते हैं, लेटिन अमेरिका से खरीदते हैं, तो हमारे यहाँ की जो कंपनियां उनको सब्जी बेचती है ना, उनमें से मेरा दोस्त भी है बम्बई में, वो ये काम करता, तो उसको इंस्ट्रक्शन आते हैं कि भाई सब्जी डिब्बे में पैक करना तो नमक नहीं मिला, क्योंकि आप मिलाएंगे तो हमारे लिए खराब हो जाएंगे। तो उनको यहां से सब्जी जाती है बिना नमक के, डिब्बा बने। अब वो सब्जी जब खाएंगे, अपनी प्लेट पर परोसेंगे, तब उसमें अलग से नमक मिलाएंगे, ये तो होगा। तो उनकी सब्जी अगर वो खाएंगे तो बाहर से नमक मिलाएंगे, हम हमारी सब्जी पकाते समय ही नमक मिलाते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सब्जी को बनाते समय, दाल को पकाते समय जो नमक आपने उसमें डाला है, और बनी बनाई सब्जी के बाद में अलग से नमक डाला है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और इतना ही अंतर है कि एक तरफ आप देशी गाय का घी खाए और दूसरी तरफ डालडा खाए। आप जानते हैं नमक जो है मसाला नहीं है, मेडिसिन है, औषधि है, और नमक में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और एक नहीं है 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं नमक में। सोडियम है उसमें, कैल्शियम है उसमें, पोटेशियम है, शरीर को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है रोज, वो नमक में है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व, तो जब आप सब्जी को बनाते समय नमक उसमें डालेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भरपूर पोषकता आपको मिलेगी, और जो बाहर से नमक डालकर खाएंगे तो वो सीधे ब्लड प्रेशर ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं करने वाला। ये बाहर से डाला हुआ नमक सब्जी या दाल में कभी भी खाए तो सीधे ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो पोषकता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलने वाली। हम जो नमक पकाते समय डालेंगे उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त होंगे। तो हम हिंदुस्तानी हजारों लाखों साल से यही करते थे। मैंने मेरे बचपन में मेरी माँ को देखा, मेरी दादी माँ को देखा, खाना बनाते समय माने सब्जी और दाल बनाते समय ही नमक डालती थी। हमारे बाहर से नमक मांगते थे तो डालती थी दादी, तेरा दिमाग खराब हो गया, समझता नहीं है कुछ, विज्ञान पढ़ता है, थोड़ी भी विज्ञान नहीं समझती, ये बाहर से नमक नहीं डाला जाता। अब दादी को मैं एक्सप्लेनेशन पूछता तो वो बता नहीं पाती, क्योंकि कोई पीएचडी तो किया नहीं उसने, यूनिवर्सिटी तो गई नहीं, लेकिन उसको इतनी फंक्शनल नॉलेज जरूर थी कि नमक बाहर से नहीं डाला जाता। तब मैंने ध्यान देना शुरू किया कि भारत के जितने भी मंदिर हैं जहां पर प्रसाद बनता है भगवान के लिए, वहां निषिद्ध है नमक बाहर से डालना। मैं एक बार पुरी के मंदिर में गया, पुरी साहब, मुझे प्रसाद चढ़ाना था। आप जानते हैं पुरी के मंदिर में दाल और चावल का प्रसाद चढ़ता है, दाल बनाते हैं हांडी में, चावल बनाते हैं हांडी में, दोनों को साथ ले जाके भगवान को प्रसाद देते हैं। तो हुआ क्या कि उसने दाल बना के चावल बना के दिया, तो दाल बनाते ही समय नमक डाल दिया। मैंने कहा भाई मैं नमक अलग से लेता हूं, उसने कहा पागल हो गए, भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, बाहर से नमक डालकर दाल भगवान को नहीं चढ़ती, अपवित्र हो जाती है। तब मैंने सोचना शुरू किया कि ये पंडित भी कितना ज्ञानवान आदमी, उसने कोई एमबीबीएस और एमडी का कोर्स नहीं किया है, लेकिन उसको मालूम है कि बाहर से नमक नहीं डाला जाता, भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि भक्तों को नहीं खिलाया जाता तो भगवान को कैसे खिलाए। अब ये ज्ञान हमारे यहां है, यूरोप में नहीं है। यूरोप में किसी भी घर में चले जाइए, कोई भी होटल में चले जाइए, खाना जब आपके पास आएगा तो अलग से नमक की शीशी साथ में आएगी, या तो मेज को ही रखी रहेगी, उसमें से आप नमक डाल लीजिए। और ये बाहर से नमक डालने वाले 100% हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे ही, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो उनका हाई ब्लड प्रेशर आया इस पद्धति से, हमने बुला लिया अपने आप, हमारे घरों में भी अब ये नमक की शीशी रख गई है डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि नकल करने में तो हम उनसे पीछे नहीं है। कभी अकल लगा के सोच
सोचा नहीं कि जिस देश के दाल और सब्जी में पहले से ही नमक डलता है वहां डाइनिंग टेबल पे क्यों रखना। तो हमने रखना शुरू कर दिया, ऐसे डालना शुरू कर दिया और वो डालते डालते आदत में आ गया। अब हिंदुस्तान में 5.5 से 6 करोड़ मरीज हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, क्योंकि नकल किया हूं। ऐसे बीमारी आती है, ऐसे हमारा संतुलन जाता है। अब ये संतुलन गया हमारा, इस संतुलन के चले जाने से ब्लड प्रेशर के हम मरीज हो गए। अब ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए तो लो भी होगा, हाई भी होगा।